हरे कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम सभी भक्तों को। हमारा आचार्य चरित्र का हम चर्चाएं कर रहे थे कि कल श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, छह गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी अन्यतम है। और हम कल देखे श्रील रघुनाथ दास रघुनाथ दास थे। उन्होंने बचपन से ही परम विरक्त थे विषयों के प्रति बिल्कुल अनासक्त थे, उदासीन थे। हमारा इंद्रियां विषयों के प्रति अनवरत खींचे जा रहा है। हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे ज्ञान इंद्रियां खास करके विषयों के ओर बिल्कुल खींचे जा रहा है। आंख सुंदर रूप के ओर खींचे जा रहा है, कान सुंदर शब्द के प्रति खींचे जा रहा है, जीवा टेस्ट के प्रति खींचे जा रहा है, त्वचा स्पर्श के प्रति खींचे जा रहा है, नासिका घ्राण के प्रति। तो हमारे ये ज्ञान इंद्रियां सब विषयों के प्रति खींचे जा रहे मगर रघुनाथ के पास सब होते हुए भी, रघुनाथ दास के पास, उन्होंने कभी विषयों के प्रति उनका जो है इंटरेस्ट नहीं था या रुचि नहीं थी, विषय भोग में बिल्कुल रुचि नहीं था। परम विरक्त तो बचपन से हमने देखा। और उन्होंने बचपन में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो संस्कृत पढ़ने जा रहे थे तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी का उनका संग प्राप्त हुई। हरिदास ठाकुर एक महान आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय में नामाचार्य कहलाते हैं। हरिदास ठाकुर की कृपा, और हरिदास ठाकुर कौन थे, परम विरक्त चूड़ामणि थे, जो निष्कपट होते हैं, जो निरपराध होते हैं, जो भक्त वैसे वैष्णवों की संग में आते ही हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। निष्कपट होनी चाहिए, कपटता नहीं होनी चाहिए, और निरपराधी अपराध ना कर, वही जो है भक्त प्रभाव रहता है, उनका शुद्धता का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही जो है दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरों को प्रभावित कर सकता है। शुद्धता बहुत जरूरी है। ये शुद्धता आती कैसे, निष्कपटता और निरपराध। जब अपराध नहीं करते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता आती है। अपराध करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध। किसी के बारे में आप कुछ गलत बोल दिया तो तुरंत आप अशुद्ध हो गया शरीर आपका। गलत विचार कर लिया तो आपके शरीर अशुद्ध हो जाता है। अगर ऐसे देखा जाएगा तो हम 24 आवर्स हम अशुद्ध ही रहते हैं। 24 आवर्स हम अशुद्ध रहते हैं, किसी ना किसी के दोष हम सोचते हैं या बोलते हैं या देखते हैं, हमारा शरीर अशुद्ध है। मगर जो निष्कपट भक्त होते हैं, जो निरपराध भक्त होते हैं, वैसे भक्तों के पास जाते ही क्या होता है, दर्शन पवित्र करो, उनको दर्शन करते ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल निष्कपट थे, कपटता नहीं थी, छल नहीं था हृदय में, दिखावटी नहीं थी, कपटता दिखावटी, लोग को दिखानिया, लोग देखें, प्रशंसा करें, मान सम्मान दे, उसके लिए नहीं करते हरिदास ठाकुर नाम जप। हरिदास ठाकुर इसके नाम जप नहीं कर रहे थे कि लोग बोले कि 300,000 नाम जप कर रहे हरिदास ठाकुर जी, कितने महात्मा, बड़े महात्मा, इसके लिए और जप नहीं कर रहे थे। हरिदास ठाकुर बिल्कुल निष्कपट थे और कभी अपराध नहीं करते थे, निरपराध। उनकी चरित्र से देखिए, जब उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोले, बस वही किए, लेकिन मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दृढ़ता है। मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगा, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता। उन्होंने उनको प्रतिरोध नहीं किए, उनको उल्टा नहीं किए, उल्टा नहीं बोले। तो ये उनका जो है
निष्कपटता था, निष्कपटता भक्त निरपराधी भक्त के संग में आते ही हम शुद्ध हो जाएंगे, व्यक्ति यहाँ कृपा मिल जाएगा, सिर्फ पास में आते ही कृपा मिल जाएगी। आप जाके कृपा दीजिए महात्मा जी, प्रभु जी, महाराज जी कृपा दे दीजिए, बोलने का जरूरत नहीं है, ऐसे महात्माओं के पास जाते ही कृपा अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि ना इतना शुद्ध होते हैं वो, इतना निष्कपट होते हैं, उनके नजदीक जाते ही आपको कृपा मिल जाएगी, उनको दर्शन करते ही कृपा मिल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, एक पास टाइम हमारी इस्कॉन वापी में एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पधारे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति था नीचे, जहाँ पर हमारा सेंटर था पहले, वहाँ नीचे एक प्रिंटिंग प्रेस वाला था, प्रिंटिंग प्रेस वाला, तो हमेशा भक्तों को देख के चिढ़ता था, गाली देता था, हमेशा चिल्लाता था, ए क्या हरे कृष्णा करते रहते हो दिन भर, हमेशा चिल्लाता। भक्त लोग समझाते मगर समझता नहीं था, बड़ा ईर्ष्या करता था भक्तों को। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी आए थे वापी में, तो महाराज जी वही नीचे दुकान है और जो मंदिर था ऊपर था, फोर्थ फ्लोर में था उस बिल्डिंग के, तो महाराज जी उधर से ही कार में उतरे, तो सब भक्त लोग नीचे हरिनाम करके महाराज जी का स्वागत किए, हार डालकर उनको कीर्तन करते हुए, तो जब महाराज जी को उसने उसने दुकान के अंदर बैठा था, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बैठ के देखा, सिर्फ दर्शन किया उसने महाराज जी का। महाराज जी चले गए ऊपर, मंदिर के ऊपर ऊपर गए, दर्शन किए, कथा किए, भक्तों से मिले, प्रसाद लिए, महाराज जी वापस नीचे उतरे, कार में बैठे और बम्बई महाराज जी चले गए। महाराज जी जाने के बाद वो जो चिढ़ता था, गाली देता था, फटकारता था भक्तों को, वो आके पूछ रहा है भक्तों को कि कौन थे, कि महात्मा जी कौन थे करके हाथ जोड़ के पूछ रहा है, तो बोले कि हमारे गुरु महाराज जी। बोले कि मैंने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा, उन्होंने ना महाराज जी का कथा श्रवण किया है, ना महाराज जी उनसे बात किए हैं, नहीं, सिर्फ उन्होंने दुकान में बैठ के महाराज जी ऊपर गए और नीचे आए, इतना ही देखा था उसने बस। तो बोला कि मैंने देखा ऐसा दिव्य व्यक्ति, ऐसा प्रभावित व्यक्ति मैंने और कोई कहीं हो नहीं सकता है। और उस दिन से वो सिर्फ दर्शन किया था गुरु महाराज जी को, दर्शन करके इतना वो चेंज हो गया, आज भी कुछ भी बैनर प्रिंटिंग करे पैम्फलेट पैसा नहीं लेता है वो। जो चिढ़ता था पहले, जो गाली देता था भक्तों को, उस दिन से दो ना दो पैसा चलेगा, बस जो काम है तुरंत बोले कह रहे प्रभु जी का काम आया है, हरे कृष्णा वाले का, इसको उनका काम आया, पहले करो ये काम, पहले होनी चाहिए बाद में दूसरों का, इतना वो सिर्फ देखो, ये है शुद्ध भक्तों का महिमा है, सिर्फ कोई दर्शन कर ले दूर से, उनके निकट आ जाए बस आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, वो आपको देखे ना देखे, आप उनको देख लिए ना बस, आप देखनी चाहिए। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको इस्कॉन संस्था में अनेकों शुद्ध भक्त मिले हुए हैं। अभी वर्तमान जो आचार्य वृंद हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, सभी शुद्ध भक्त हैं, बस उन लोग की संगति प्राप्त करना है हमको, उन लोग के मुखारविंद से कथा श्रवण करनी है हमको, बस मौका मिलते हैं तो यही हमारा सौभाग्य हो सकता है, उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करे, कीर्तन श्रवण करे। तो यस, इस प्रकार से रघुनाथ दास जो है बचपन में हरिदास ठाकुर का कृपा प्राप्त हुआ था, तो जब उन्होंने घर पे जब थे, हमेशा इच्छा करते कब महाप्रभु को मिलो, कब महाप्रभु को मिलो, तब खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने संन्यास ले लिया, निमाय संन्यास ले लिया। जब भगवान संन्यास लिए, संन्यास लेके उन्होंने कटुआ में, कटुआ करके एक जगह है जहां पर महाप्रभु का मुंडन हुई, बड़ा सुंदर बाल था। भक्त लोग रो रहे थे जब महाप्रभु का मुंडन हो रहा था, भक्त लोग रो रहे थे, भवक भवक के रो रहे थे, इतने सुंदर बाल को त्याग कर रहा है निमाई, इतना सुंदर बाल, भगवान का बाल है। आजकल के लड़का लड़की बाल अच्छा रखने में बड़ा अपने आप को सुंदर मानते हैं, हाँ ऐसे ये भागवत में बताया गया है, कलयुग के लक्षण है, अगर कोई अच्छा बाल रखता है तो अपने आप को बड़ा सुंदर मानेगा, सुंदर मानता रहेगा कि मैं बहुत सुंदर हूं संसार में कर। अब भगवान का बाल, इतने सुंदर बाल है भगवान का, सुंदर एकदम, उस बाल को जब
काट रहे थे, सब भक्त लोग रोदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो महाप्रभु हाँ संन्यास ले लिए, संन्यास लेकर महाप्रभु सर्वप्रथम कहाँ पर आए, वो आए शांतिपुर करके एक जगह, जहां पर कौन रहते थे पता है, अद्वैत आचार्य रहते थे शांतिपुर में। अद्वैत आचार्य नाम आप जानते हैं, पंचों तत्वों में अद्वैत आता है ना, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत या अद्वैत, अद्वैत आचार्य, अद्वैत अद्वैत आचार्य कौन थे, अद्वैत आचार्य महाविष्णु थे, महाविष्णु का अवतार थे अद्वैत आचार्य। तो स्वयं अद्वैत आचार्य शांतिपुर में जब निवास कर रहे थे महाप्रभु, और बंगाल में सबको खबर मिला कि निमाई ने संन्यास ले लिया, भगवान ने अभी तक बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं करते, बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं किए नवद्वीप में, मगर अभी महाप्रभु संन्यास लिए। तो सबको जैसे ही पता चला, लोग एकदम व्याकुल होने लगे मिलने के लिए, कहाँ गए, कहाँ गए हमारे हमारे निमाई, कहाँ गए हमारे चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए, पूछते लोगों को, लोग रोते रोते पूछते, अगर कोई भी सन्यासी दिखते तो उनको पूछते, आपने देखा है निमाई को, देखे हो आप चैतन्य महाप्रभु को, देखे हो जो भी क्योंकि वो सन्यासी है, सन्यासी तो किसके साथ रहेंगे, सन्यासियों के साथ में ही रहेंगे सन्यासी, तो पूछते रो रो के, सब सब रो रहे हैं नवद्वीप में, सब रो रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे, तो आप स्मरण करिए उस समय अक्रूर जी महाराज जी आए थे लेने के लिए, और अक्रूर जी जब ले गए तब वृंदावन में, वृंदावन के भक्त लोग जो है भगवान की विरह में खाना पीना छोड़ के रात दिन रोते, श्रीमती राधा रानी रात दिन रोती, जशोदा महारानी रोती, नहीं रोएगी क्या बताइए, जिन्होंने बचपन से हाँ अपने स्तनों का दूध पिलाई है, इन्हीं हाथों से उनको निलाए खिलाई पिलाई है, हाँ जिन्होंने इतना प्रेम किए, उनका दिल का टुकड़ा था भगवान, टुकड़े थे अंधर लोहड़ी, हाँ अंधर लोहड़ी यानी अंधा के लिए क्या लकड़ी, अंधा के लिए सहारा क्या लकड़ी होता है, वैसे नंद बाबा और जसोदा के लिए सहारा कौन थे, भगवान कृष्ण ही थे, कान्हा थे, वो भगवान को इतना प्रेम करते थे, और वो भगवान आज चले गए मथुरा मंडल, मथुरा चले गए कंस मामा के पास, तो सोचिए क्या स्थिति होगी उन लोगों का, वो लोग भी रोते, रो के पूछते कब आएंगे हमारे कृष्ण, कब आएंगे, कोई भी दिखते रास्ते में पथिक तो उनको पूछते जाके, आप कहाँ से आ रहे हो, मथुरा से आ रहे हो क्या, हमारे कृष्ण को देखे क्या, हमारे लाला को देखे क्या, हमारे कान्हा को देखे क्या, कब आएंगे वो हमारे पास वापस, भगवान जाते जाते यही बोल के चले गए थे कि मैं वापस आऊंगा। मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, बस ये एक ही लाइन जो है वो गोपियां प्राण लेके बैठे हुए थे, आशा लेके बैठे थे मेरे लाला आएंगे, हमारे लाला आएंगे, नहीं तो क्यों, नहीं तो प्राण छोड़ देते ये लोग, तो नहीं तो गोपियां प्राण छोड़ देते, क्यों प्राण नहीं छोड़ रहे पता है, भगवान ने ये बोल के गए कि मैं वापस आऊंगा, अगर मान लो हम लोग प्राण छोड़ देंगे और भगवान आ गए तो क्या होगा, हाँ तब तो बड़ा दुविधा हो जाएगी। तो ये स्मरण करते हुए गोपियां जो है प्राण नहीं छोड़ रही थे, प्राण नहीं त्याग रही थी गोपियां, उनको भय था कि कृष्ण आ जाए और हमारा प्राण नहीं रहे तो क्या होगा, वो कैसे प्राण रहेंगे, उनका कैसे प्राण रहेगा भगवान का, अगर हम नहीं रहेंगे तो, बस यही इच्छा था, यही आशा था, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे भगवान, ये आशा से वो प्राण नहीं छोड़ रहे थे, बस प्राण कोई रखे थे, बाकी तो उनका शरीर में ऐसे लग रहा था प्राण नहीं है, ऐसे वर्णन आता है राधा रानी ऐसे ही पड़ी रहती, बिल्कुल दुबली हो गई, दुबली पतली, ऐसे ही एक जैसे डेड बॉडी पड़ा रहता है मुर्दा, बस ऐसे पड़ी रहती राधा रानी, तू नहीं चू नहीं। तो राधा रानी के शरीर में प्राण है या नहीं है ये चेक करने के लिए गोपियां क्या करते, रुई को नाक के पास रखते, रुई को, रुई होता है ना, रुई आप जानते हैं रुई, तो रुई को रखते, तो उसमें अगर रुई हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा है रुई, तो इसका मतलब है राधा रानी प्राण है राधा रानी का अभी तक। तो बहुत समय में एक बार रुई हिलता था, यानी सांस भी राधा रानी बहुत टाइम से एक बार सांस धीरे से छोड़ते, धीरे से ले, बस ऐसा स्थिति था श्रीमती राधा रानी, जसोदा का, नंद बाबा का, यही हाल था सारे ब्रजवासियों का।
तब उद्धव जी जब वृंदावन में पहुंचते हैं, उद्धव जी को भगवान जब भेजते हैं, दूर से देखने के लिए तो उद्धव लग रहे थे कौन, आगे कृष्ण ही। उद्धव जी वर्णन आता है कि दिखने में एकदम कृष्ण जैसे, तो गोपियां एकदम उतावनी हो गए हमारे हमारे कृष्ण आए करके, मगर नजदीक नजदीक, और रथ भी कृष्ण का ही था, कपड़ा भी कृष्ण का पहन लिए थे इन्होंने, कृष्ण का ही कपड़ा पहने हुए थे, दिखने में तो दूर से कृष्ण थे, मगर नजदीक पहुंचने के बाद पता चला कृष्ण नहीं है, ये तो कोई दूसरे ही है। कौन है आप? उद्धव हूं, भगवान भेजे हैं। उद्धव जी तो इतना रो रहे थे, गोपियां इतना रो रहे थे, उद्धव आए थे थोड़ा ज्ञान देने के लिए, बोले कि मैं क्या ज्ञान दूं इन लोग को यार। जब रोते हैं ना हृदय सॉफ्ट हो जाता है, होता है नहीं होता है, जब रोएंगे ना हृदय वो सॉफ्ट हो जाता है, रोने वाले का सॉफ्ट हो जाता है, सामने वाले का सॉफ्ट हो जाता है। सही बात है, आपके बेटा के ऊपर बहुत क्रोध है, आपके बच्चों के ऊपर, वो रो ले बस, उनको आप गोद में ले लेते हो है ना, उसको आलिंगन कर लेते हो, नहीं 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 बस 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 रो मत। तो ये रोना ये ऐसा चीज है, आपको सॉफ्ट कर देता है और सामने वाले को भी सॉफ्ट कर देता है। बच्चों का बहुत बड़ा अस्त्र है रोना, और कुछ भी मनवाना होता है तो बस वो रो लेंगे, तो माता पिता बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, तू रोना बंद कर, जो चाहिए तेरे को मिल जाएगा, उन लोग का बहुत बड़ा अस्त्र है बच्चों का। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा एक यूनिवर्सिटी बनाया जहां रोना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? ये इस्कॉन संस्था में रोना सिखाया जाता है, हंसना नहीं, रोना। रोओगे कैसे आप? क्राइंग स्कूल, क्राइंग यूनिवर्सिटी, यहाँ रोना सिखाया जाता है। कैसे कृष्ण और महाप्रभु किया थे, राधा रानी क्या की, कृष्ण के विरह में रोई, महाप्रभु क्या किए, कृष्ण के विरह में रोते दिन रात, तो हम लोग उन्हीं के पदचिन्हों में चल रहे हैं। हमारे आचार्य लोग क्या किए हैं, भगवान के विरह में रोते, हम लोग अभी किसके लिए रो रहे हैं, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, ऐश्वर्य के लिए, स्त्री के लिए, परिवार के लिए, पुत्र जनों के लिए, पुत्रियों के लिए, हम दुनियादारी के लिए रो रहे हैं अभी। मगर हमारे आचार्य लोग, हमारे महाप्रभु क्या सिखा के गए, कृष्ण के लिए रोना सीखो। एक बार कृष्ण के लिए रोना सीख जाओगे तो दुनिया के लिए रोना नहीं पड़ेगा आपको। अगर दुनिया के लिए रोते रहोगे तो कृष्ण का रोना, कृष्ण के लिए रोना नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण के लिए रोना सीख जाओ। तो जो कृष्ण के लिए रोता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते और रोते, खूब रोते महाप्रभु, तो दिन रात रोते, श्रीवास आंगन में कीर्तन करते महाप्रभु, संन्यास से पहले की बात है, रात भर रोते कीर्तन करते, रात भर कीर्तन करते ही रोते, कीर्तन करते ही रोते। अगर नाम लेते ही रोना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है स्पष्ट है कि अपराध युक्त नाम है ये। नाम लेते ही रोना नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है कि ये नाम अपराध युक्त है, अपराधी वाला नाम है ये। अपराधी वाला नाम, नाम लेते ही रोना। महाप्रभु नाम लेते ही, कृष्ण बोलते ही बिल्कुल रोना शुरू। अब कैसे रोना पता है? अश्रु प्रवाहित ऐसे होता था जैसे बारिश कंटिन्यू हो ना तीन चार दिन, वैसे आंखों से अश्रु बह रहा था, कंटिन्यूअसली रुकता नहीं था अश्रु, इतना रोते कृष्ण के विरह। तो यहां महाप्रभु, वही महाप्रभु, वही निमाई, संन्यास लिया। अभी संन्यास लेने के बाद उनके भक्त लोग उनके लिए रो रहे हैं, रो रो के पूछ रहे हैं, इला चला पूरे यतायत करे, यत वैरागी सन्यासी तहा सोबा करे, कंदिया सोबाए तहा सोबा करे, कंदिया सोबाए यत न बड़ी बवासी। क्या कहते हैं? नीला चला पूरे यतायत करे, जो भी जगन्नाथपुरी से आना जाना करते हैं, महाप्रभु सन्यास लेके कहां चले गए? जगन्नाथपुरी गए थे। जब सन्यास लिए, अभी सन्यास तो धारण कर लिए,
माँ को जब मिले, माँ बोली माँ रो रही है, माँ रोएगी नहीं? एक लड़का तो सन्यास ले लिया, दूसरा लड़का भी सन्यास ले लेगा तो क्या होगा, हृदय फट जाएगी माँ का। सची देवी और वो भी विवाह से पहले सन्यास ले लेता तो भी थोड़ा बहुत चलो ठीक है, विवाह करके सुंदर पत्नी घर पे है और ये सन्यास ले ली, तब तो बड़ा जिम्मेदारी होता है ना, विवाह के बाद तो पत्नी को बच्चों को पालना एक जिम्मेदारी होती है। वही व्यक्ति होगा जो जिम्मेदारियों के से भागेगा। तो बड़ा रो रही थी महाप्रभु, माँ को देख के बिचारे को महाप्रभु का हृदय फट रहा था। बोले कि हे मैया, अगर आप बोलती हैं तो कोई बात नहीं, मैं संन्यास त्याग देता हूँ, चल चल मैं तेरे पास रहूंगा। सच्ची बोलती, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर, एक बार संन्यास लिया तो वापस पीछे मुड़ के मत देख, वापस घर पे नहीं आ, तो संन्यास ही रहा। बस मेरा एक इच्छा है बेटा, तू नजदीक में रहे, नजदीक में रहे, ताकि तेरा खबर मुझे मिलता रहे। महाप्रभु नजदीक में रहने के लिए क्या कहाँ सुने, जगन्नाथपुरी सुने। जगन्नाथपुरी से मायापुर ज्यादा दूर नहीं है, भक्त लोग आना जाना करते रहते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, तो जगन्नाथपुरी निवास की, ताकि महाप्रभु का खबर मिलता रहेगा सची मैया को। तो जितने लोग नीलाचलपुर यातायात करे यत बैरागी सन्यासी, जितने भी बैरागी सन्यासी लोग नीलाचल से आते थे पुरी से, उनको पूछते थे नवदीप वासी मायापुर वासी सब, क्या पूछते, आप लोग आप देखे हो हमारे गौरांग महाप्रभु को, आप देखे हो हमारे निमाई को कैसे है वो, तहा सब करे कांदिया सब आए, रो रहे हैं और ये भी रो रहे हैं, आने वाले बैरागी सन्यासी भी रो रहे हैं। देखो रोते रोते ये लोग पूछ रहे हैं, आपने देखा क्या, नीलाचल पूरे तुम्हारो की सब, नीलाचल पूरे तुम्हारो की सब, सन्यासी की देखिया आप नीलाचल से आए हो, पूरी से आए हो, सन्यासी को देखे हो, हमारे सन्यासी को देखे हो, हमारे प्राण धन को देखे हो, श्री कृष्ण कौन है वो, कौन है वो सन्यासी, श्री कृष्ण चैतन्य जहरा ही नाम, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य जहरा ही नाम, तहार की बेटिया छो, देखे हो सन्यासी को क्या नाम है, श्री कृष्ण चैतन्य को देखे हो, भेंट किए हो उनसे, जो भी आते उनके रो रो के पूछते, अब देखे हो क्या कैसा है, उसको भी वर्णन करते हैं नवदीप वासी, वर्णन करते हैं कैसा है हमारा, हमारे श्री कृष्ण चैतन्य कैसा है, वयस न बिना गलित कांचन, वयस न बिना, वयस न बिना, वयस क्या है, एज क्या है, बिल्कुल नौजवान है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, एज नहीं हो गया, बिल्कुल नौजवान है, वयस न बिना गलित कांचन, शरीर कैसा है, रंग कैसा है, कांचन सोने की जैसा कलर है उनका, उनका शरीर का कांति सोना है, और वो कैसे नवीन है, बिल्कुल नौजवान है, जिनी तनो खानी गोरा, और क्या करता है व्यक्ति, हरे कृष्णा नाम बोलाए साधा ने, हरे कृष्णा नाम, हमेशा उनके मुख में हरे कृष्णा उच्चारण होता रहेगा, वो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन देते हुए, आइडेंटिफिकेशन देते हुए पूछ रहे हैं, आप देखे हो क्या सन्यासी को, हमारा श्री कृष्ण चैतन्य को, वो क्या करता है, वो नाम लेता है, नाम जपता है, जब देखो तब नाम उनके मुख से उच्चारण होता रहेगा। अरे कौन सी सन्यासी की बात कर रहे, बहुत सन्यासी है पूरी में, बोले नहीं नहीं ये अलग अलग सन्यासी होगा, जिनके मुख से हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण होता रहेगा, जिनका शरीर का कांति सोने का कलर होता रहेगा, हुआ रहेगा, और नौजवान सन्यासी है, ऐसा नहीं कि बूढ़ा बाल पक गया, ऐसा नहीं है, नौजवान सन्यासी है। हरे कृष्ण नाम बोलाया साधने, हमेशा हरे कृष्ण नाम जप रहे हैं, और नयन गराए धारा, और क्या होता रहेगा, उनकी नयन से हमेशा अश्रु धारा प्रवाहित तो होता रहेगा, ये ऐसा सन्यासी, देखे हो क्या, रो रो के पूछ रहे नवदीपवासी, पूछते हैं जो भी सन्यासी आपसे पूछते हैं, अच्छा कहते हैं कंपन हसन कखन रोदन, और ऐसा नहीं है कि हमेशा रो रहे हैं, कंपन हसन
कभी तो बिल्कुल कांपते रहेंगे और कभी तो हंसते भी रहेंगे, कभी कभी तो हंसते रहेंगे पागल जैसा, और कभी कभी शरीर एकदम कांपता रहेगा, क्रमलिंग होता रहेगा, और कखन रोदन, कभी कभी रोते भी रहेंगे, कखन आछाड़ काया, कभी कभी तो कखन आछाड़ काया, कभी कभी शरीर छोड़ के प्राण निकल भी जाता, ऐसा ऐसा स्थिति होता महाप्रभु का। हाँ देख लो, कभी कभी महाप्रभु शरीर छोड़ देते, प्राण चला जाता। एक बार महाप्रभु बड़े प्रेम से जप करते करते, कीर्तन करते करते, नाचते नाचते, एकदम एकदम मुग्ध थे कीर्तन में, एकदम मुग्ध थे, नाचते नाचते नाचते, जगन्नाथपुरी में आप गए होंगे, समुन्दर है, नील सागर है, महोदधि कहते हैं उसको, महोदधि समुन्दर जो है जगन्नाथपुरी में, महोदधि कहा जाता है, उनका नाम महोदधि। तो महोदधि को देखे, समुन्दर को देखे, स्मरण आ गया वृंदावन यमुना जी का। चैतन्य महाप्रभु को बहुत बार धोखा होता है, बहुत बार धोखा हो जाता है। एक बार बड़ा हट्टी हो गए थे, भगवान बोलते मुझे जाना है वृंदावन, जाना है वृंदावन, नित्यानंद प्रभु है ना, नित्यानंद प्रभु, वृंदावन जाना है आपको, चलो वृंदावन ले जाता हूँ। समुन्द्र के पास ले आए, एक्चुअली नहीं, गंगा जी के पास ले आए, मायापुर में गंगा जी है ना, गंगा जी, ये देखो यमुना जी है, यही वृंदावन है, और महाप्रभु भूल गए, वही नवद्वीप था, मायापुर में ही थे, और नित्यानंद क्या बोल रहे हैं, अरे ये है ना, हे महाप्रभु यही है, देखो ये देखो, वृंदावन में ही खड़े हो आप, आ गए हो, और देखो ये यमुना प्रभावित हो रहा है, गंगा जी को देखकर महाप्रभु भाव विभोर हो गए, यमुना सोचकर कूद गए, यमुना सोचकर कूद गए गंगा में। जब बाहरी चेतन आया, खूब फटकार रहे हैं नित्यानंद को, अरे नित्यानंद चीटर है एक नंबर का, इसकी बात में कोई भरोसा मत करना, नित्यानंद का बिल्कुल चीटिंग करता है ये, धोखाबाज है, धोखाबाज। जब महाप्रभु साउथ इंडिया के लिए निकल रहे थे, तब महाप्रभु कहते अकेला कैसे जाओगे, नित्यानंद को साथ में ले लो ना, तो बोले इसको, अरे बाबा ये बड़ा धोखाबाज, इसको लेके नहीं जाऊंगा मैं साथ में, ये एक बार मुझे गंगा जी दिखाकर यमुना बोलकर मुझे कुदा दिया था इसमें, और बताया ये और क्या किया था, ये नित्यानंद पागल है एक नंबर का पागल, ये नित्यानंद मेरा संन्यास दंड को तीन भाग तोड़कर फेंक दिया था, एक जगह है दंड भंग करके। नित्यानंद को बड़ा गुस्सा आया, सन्यासी होके जो भगवान को संन्यास दंड में देखे ना, बड़ा दिमाग छटक रहा था, बहुत वो दंडा को लिए और वो दंडा को तोड़ के फेंक दे, सन्यासी बनता है सन्यासी, दिमाग खराब करते हुए है? वहां पर नवद्वीप में सब रो रहे हैं, माँ सब लोग, यहाँ के सन्यासी बन के फेर रहा है करके एकदम। अब नित्यानंद बहुत थे और बलराम जी थे, बलराम जी थे नित्यानंद, एकदम तोड़ दिए सन्यास दंडा ही तोड़ दिए महाप्रभु का, बोलते बड़ा सन्यासी बन के फेर रहा है, वहां पर माँ रो रही है, माँ का कुछ चिंता नहीं है, नवद्वीप वासी सब रो रही, जब सन्यासी फिर तोड़ के फेंक, महाप्रभु इसको लेके नहीं जाऊंगा, मेरा सन्यास दंडा तोड़ा है, मुझे गंगा दिखाकर यमुना बोल के कुदाया था, और महाप्रभु समुन्द्र को एक बार देखे महोदधि को, और देखकर बड़ा भाव विवर हो गए महाप्रभु, कथाए कृष्ण कथाए कृष्ण, यमुना का महारानी का स्मरण होते होते कूद गए समुन्द्र में कूद गए, और समुन्द्र बड़ा तेज था, महाप्रभु को अंदर ले गया। भक्त लोग ढूंढ रहे कहां मिले ठाकुर, कहीं नहीं मिल रहे, कहां गए कहां गए कहां गए, पागल लोगों, पागल लोग अगर घर पे कोई पागल होगा ना, अगर घर से बाहर चला जाता है तो घर वाले को बहुत टेंशन रहता है, रहता नहीं रहता है, अरे यार पागल आदमी कहां पर क्या करेगा पता नहीं है, ये कुछ कुछ भी कर सकता है, किसके घर पे घुसता है, कभी क्या करता है। तो ऐसे महाप्रभु बिल्कुल कृष्ण प्रेम में, भक्त लोग तो डर गए, अरे पता नहीं कहां पर कूद गए, कोई कुएं में कूद गए होंगे, कभी कहां पर क्या किए होंगे, उन पर कुछ पता ही नहीं है ठाकुर जी का लीला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पता नहीं कहां पर नाम जपते जपते कहां पर कुछ दो दिन के बाद महाप्रभु मिले। एक मछुआरा नाव में गया था मछली पकड़ने के, और जब वो जाल बिछाया उस जाल में महाप्रभु समुद्र में पकड़ में आए। बड़ा भारी था जाल, खींच रहे थे, लगा कि भाई बहुत बड़ा मछली आज पड़ा है भाग्य में। बाहर निकाले तो बड़ा दगदाए माना, एकदम एकदम जो है सोना पिघला हुआ, सोने का जैसे एकदम कलर एकदम तेज निकल रहा है। भले कौन है भाई ये? देखा तो प्राण नहीं है, प्राण नहीं था महाप्रभु के शरीर में, प्राण नहीं है। और हुआ क्या था, सारे एकदम जॉइंट्स खुल गए थे, सारे जॉइंट्स है ना, बिल्कुल हाथ का पैर का सारा जितना जॉइंट्स है हमारे शरीर में सारा जॉइंट्स खुल गए थे। अलग हड्डियां अलग अलग हो गया था, जॉइंट्स नहीं था, एकदम अलग अलग हो गया। जैसे यहाँ पर है ना, ये हमारे यहाँ पर ये खुल गया था, सिर्फ बीच में चमड़ा लगा हुआ था, एक हड्डी इस तरफ एक हड्डी इस तरफ, बीच में हर हड्डियां, उंगलियों का भी हड्डियां, सारा जॉइंट्स खुल गए। बोला भाई कौन है ये, मर गया। बड़ा डरा हुआ था, तब तक भक्त लोग ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो दूर से देखे बड़ा तेज आ रहा था, हो सकते हैं महाप्रभु होंगे। नजदीक आए देखे महाप्रभु, और वो व्यक्ति जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, ऐसे ही बोल रहा है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा है वो व्यक्ति का। वो आ रहा है वहां से दौड़ दौड़ के आ रहा था, भूते का भू 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 कर रहा था, भूते करके उसको लगा कोई भूते बेचारे, कोई अगर मुर्दा भी मिलेगा तो उसका जॉइंट्स तो रहेंगे ना भाई, जॉइंट्स कैसे खुल जाएंगे किसी का, पता नहीं कोई मुर्दा है करके वो डर गया भूते करके। और ये लोग बोले क्या हो गया क्या हो गया, भू 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 कर, क्या हो गया, भू भू दिखाओ क्या है। उसको ले गए उधर, देखे तो महाप्रभु पड़े हुए, तो जाल से निकाले वो जो नेट था ना मछली का नेट निकाले महाप्रभु को, तो कैसे आएगा। तो भक्त लोगों ने महाप्रभु के कान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, महाप्रभु के कान में जब महामंत्र का उच्चारण किए, महाप्रभु का सारे जॉइंट्स अपने आप फटाफट फटाफट जुड़ गया और महाप्रभु खड़े होकर नाचने लगे तुरंत नाचने लगे महाप्रभु, उनके सारे जॉइंट्स जुड़ गए। महाप्रभु का लीला परंपार है महाप्रभु। तो ये लोग यही बोल रहे हैं, कंपन हसन कखन रोदन कखन आछाड़ काया फूल के रो छट सिमुरीली कंठ अच्छा न सोना रगाया। भाई कब रोते हैं कब गिरते हैं कब हंसते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा नाम लेता है और बिल्कुल उनका शरीर एकदम कांति सोने के जैसा है, सन्यासी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, और तमो बिना के दयालु जगत संसारे। इस तीनों लोक में आपसे दयालु तो कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मुझे दया करो। पतित पवन बिनु तव अवतार, आप पतित पावन के लिए आपका अवतार हुआ है। मोसम पतित प्रभु न पाइबे आर, क्या कह रहे हैं, पतितों का उद्धार करने के लिए आपका प्रकट हुआ है, आपका आविर्भाव हुई है, मगर ध्यान से सुन लो महाप्रभु, मोसम पतित प्रभु न पाइबे आर। अगर पतितों का उद्धार करने ही आप आए हैं ना, तो मेरे जैसा तो पतित के ही नहीं मिलेंगे आपको, तो इसीलिए सर्वप्रथम मेरा लिस्ट में नाम डाल के मुझे उद्धार करो, क्योंकि ना पतितों में मैं सर्वश्रेष्ठ पतित हूँ, नालायकों में सर्वश्रेष्ठ नालायक हूँ, बदमाशों में सर्वश्रेष्ठ बदमाश हूँ। क्या भाव है हमारे आचार्यों का, देखो सा मौसम पतितो ना पाए प्रभु ना पाए वार, कहीं पर आपको मेरे जैसे पतित तो मिलेंगे नहीं, आप ढूंढ लो एक बार, कहीं नहीं मिलेंगे। हम त्रिभुवन में हम कलर टेक के बोलते मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं मिलेंगे आपको, यही ना, ऑफिस में जाओ दफ्तर में जाओ कहीं भी जाओ क्या कहते हैं, उससे मैं ज्यादा स्मार्ट हूं इसलिए मुझे नौकरी में रखो, है ना। हर जगह में अपना स्मार्टनेस दिखाते हैं संसार में, जब जब मंदिर में आते हैं, जब भक्तों के बीच में आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, वहां पर क्या दिखाना है, अपना अपना स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, अपना दयनीयता दिखानी है, अपनी नीचता दिखानी,
हम कितने पति तो भगवान को दिखाने। भगवान के पास जो जीरो बन के आता है उसी को भगवान हीरो बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भगवान के पास जीरो है, जीरो जीरो का मनोवृत्ति है, उसको भगवान हीरो बनाते हैं। हनुमान जी महाराज जी हमेशा भगवान के चरणों में नतमस्तक को होकर हाथ जोड़कर भगवान का सेवाएं के करते, विनम्रता से हमेशा हाथ जोड़ते। भगवान ने उनको ऐसा हीरो बनाया, ऐसा हीरो बनाया, महाभारत युद्ध में सबसे ऊपर कोई बैठा था तो हनुमान महाराज बैठे थे, सबसे ऊपर कोई बैठा था तो हनुमान जी, कपित ध्वज, कपित ध्वज। महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ के जो झंडा था उस झंडा में हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। जो नम्र भक्त है भगवान उसको ऊपर बिठाते हैं, अहंकारी भक्त को नीचे बिठाते थे, नीचे रखते हैं, इधर बैठ। तो इसके लिए भगवान के पास मौसम पतित प्रभु नापाई बेयार, मेरे जैसे पतित, मेरे जैसे नीच आपको संसार में और कोई नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगर उद्धार करनी है ना, सर्वप्रथम मेरा नंबर आना चाहिए, क्योंकि ना मैं पतितों का सरदार हूं, पतितों का सरदार हूं। तो ये महाप्रभु का देखो, महाप्रभु का गुणों को बोलते बोलते ये हमारे श्री कृष्ण चैतन्य है, सन्यासी है, देखे हो ऐसे पूछते हैं। पूरा पूरा नदिया में एकदम एक दुख दुख छा गया था नदिया में, जब महाप्रभु सन्यास ले लिए, पूरा नदिया नवद्वीप में पूरा सब लोग दुखी थे, सब लोग रोते थे। तो महाप्रभु सन्यास लेके अभी क्या कर रहे हैं, वो अभी आएंगे अद्वैत आचार्य के पास सन्यास लेके, अद्वैत आचार्य के पास। सन्यास करी प्रभु शांति पुराइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलीला। प्रभु र चरण पड़े प्रेम विष्ट, प्रभु पद स्पर्श करी, प्रभु पद स्पर्श करी ल करुणा करिया। क्या कह रहे हैं, भगवान सन्यास लेने के बाद कहाँ आए, श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके आ गए, कहाँ पर, शांतिपुर में आए। अभी भी नवद्वीप मंडल परिक्रमा के बाद शायद एक दिन के बाद शांतिपुर फेस्टिवल होता है। शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े मटकों में, बहुत बड़े बड़े डेक्चियों में खिचड़ी बनती है, शांतिपुर खिचड़ी प्रसिद्ध है। आप में से कोई खाया शांतिपुर खिचड़ी, बहुत प्रसिद्ध है शांतिपुर खिचड़ी। तो एक फेस्टिवल होता है शांतिपुर में, बहुत सबको खिचड़ी खिलाया जाता है शांतिपुर। तो शांतिपुर में आए, शांतिपुर में आते ही रघुनाथ दास पता चला महाप्रभु अभी शांतिपुर है, तो छुपते हुए घर से उनकी पिता माता का नजर पहले से था, ये लड़का ऑलरेडी बिगड़ गया है, ना कोई विषय भोग कर रहा है, ना कोई किसी काम धंधा में उसका मन है, ना कुछ करने में मन है, बस जब देखो हरे कृष्णा, पता नहीं जब से वो संस्कृत पढ़ के आया तब से हरे कृष्णा कर रहा है ये लड़का। वहां पर मिल गए थे ना, हरे कृष्णा वाले को मिल गए थे वहां पर, हरिदास ठाकुर को मिल गए थे, इसलिए नशा चढ़ा हुआ था हरे कृष्णा। तो खैर आए रघुनाथ दास, रघुनाथ दास आकर प्रणाम किए, प्रणाम करते ही अद्वैत आचार्य क्या किए, रघुनाथ को ले जाके महाप्रभु को मिलाया, ये रघुनाथ है इनको कृपा करिए। तो महाप्रभु के चरण जब पड़े तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिए, उठाए, बोले कि हे रघुनाथ उठो उठो उठो, महाप्रभु का कृपा हुई। महाप्रभु का सर्वप्रथम दर्शन किए रघुनाथ दास, सर्वप्रथम कहां पर, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे थे उस समय, अद्वैत आचार्य के घर पे महाप्रभु थे। तब महाप्रभु उनको समझाकर बुझाकर बड़ा बोल रहे थे कि प्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे ले चलो आपके साथ। महाप्रभु ना 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 ना, जाओ घर पे जाओ अभी, मिलेंगे हम, वापस मिलेंगे,
उनको समझाकर महाप्रभु क्या किए, वहां से महाप्रभु देखिए यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के बारे में सुने थे, तो महाप्रभु संन्यास लिए, महाप्रभु के बारे में सुने थे। जब पहली बार महाप्रभु शांतिपुर आए, देखे ओहो क्या वैराग्य दिख रहा है महाप्रभु के शरीर से, कितना तेज है महाप्रभु के शरीर से, एकदम पहली बार संन्यास लेते हुए महाप्रभु को देखे रघुनाथ जी ने, वो बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट हो गए महाप्रभु के प्रति। बस उसी समय बोल रहे कि बस आपके साथ में आना है मुझे, मुझे घर वापस नहीं जाना है, वहां पर इतना ऐश्वर्य है। और यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु कृपा रही स्वभाव एक धर्म, राज्य राज्य पद छाड़ी कने भिक्षुक करे कर्म। यही तो महाप्रभु का कृपा है, यही तो महाप्रभु का संघ का प्रभाव है, हाँ यही तो स्वभाव है महाप्रभु का। क्या है अगर भाई भगवान का कृपा जिनके ऊपर होती है, राज्य पद छाड़ी करे भिक्षुकों कर आचरण। भगवान का कृपा जिसके ऊपर होता है, भगवान जाते कृपा करे देत तीन महाधन। भगवान कृपा करते हैं जिसके ऊपर, उसको तीन महाधन देते हैं। क्या क्या? रोगी और निर्धन करे जग में करे तपमान, रोगी बना देते हैं, निर्धन बना देते हैं, और आपका नाम संसार भर में क्या करते हैं, आपका नाम खराब कर देते हैं। बस नाम खराब है तो ज्यादा बाहवाही नहीं मिलेगा, शांति से बैठ के भजन करेगा। धन रहेगा तो धन के चक्कर में पड़ा रहेगा, धन को एक डबल कैसे करो, ट्रिपल कैसे करो, दिमाग खराब। धनी नहीं रहेगा तो पागलपन क्यों करेगा, बैठ के धनी तो नहीं है, बैठ के भजन करो। रोगी रोगी कर देते हैं कभी कभी, बस खटिया में पड़े पड़े जपते रहो, और कुछ काम धंधा तो है नहीं आप। तो प्रभु रो कृपा यही स्वभाव एक धर्म, और राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु को कर कर्म। कलयुगे तारा साक्षी सीधा भी रखास, राज्य पद छाड़ी यारो अरण्य विलास। उदाहरण है क्या कोई? भगवान का कृपा होने के बाद राज्य पद छोड़ दिया, उदाहरण है ना भाई। दबीर खास कौन थे? दबीर खास बताओ कौन थे, आप लोग को याद है दबीर खास कौन थे? हाँ कौन थे? रूप गोस्वामी थे ना, हाँ रूप गोस्वामी। दबीर दबीर खास साकर मल्लिक दो भाई थे ये लोग, है कि नहीं? बाद में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु उन लोग को नाम चेंज करा दिए दीक्षा देके, हाँ रूपो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हो गया नाम, रूप सनातन। तो दबीर खास है ना भाई, राजपद कितना बड़ा मिनिस्ट्री पद को छोड़ के आके क्या बन गए? अरण्य निवास। कहां पर निवास कर रहे? वृंदावन अरण्य में, जंगलों में घूम रहे पागल जैसा। यही तो है स्वभाव महाप्रभु का। तो वैराग्य जो वैरागी है ना, ये दिखावटी के लिए वैरागी नहीं होता है कभी भी। जो वैराग कहते हैं ना मैं बड़ा विरक्त हूं, दिखाने के लिए नहीं। वैराग्य मन से होता है, धन से नहीं। हम कहते हैं धन को त्याग देने से वैरागी हो जाता है कोई, बस में घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया, मगर मन में तो विषय भोग है आपका, तो आप वैरागी कैसे हुए? देखिए ये सारा शिक्षा है, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए भी है। सिर्फ वैरागी सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए लिखा गया थोड़ी ना है, गृहस्थों को भी विरक्त रहना चाहिए। अगर गृहस्थ भी आसक्त रहेंगे तो दुख भोगेंगे। तो ये वैराग्य सबके जीवन में होनी चाहिए। महाप्रभु रो भक्त गणे वैराग्य प्रधान, या देखी महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, एक प्यार है। महाप्रभु रे भक्त गण वैराग्य प्रधान, और या देखी प्रीत है गौर भगवान, या देखी प्रीत है गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्तगण है उनके अंदर वैराग्य प्रधान है। वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, बानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वैराग्य प्रधान है, विरक्त रहते हैं। क्या है वैराग्य? आगे हम देखेंगे एग्जैक्टली वैराग्य है क्या, कई प्रकार के वैराग्य होते हैं। तो ये वैराग्य जो है ये कभी भी धन से, तन से, या संसार से, समाज से, परिवार से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य कहां से होता है? मन से। कहां से होता है? मन से। अगर आप घर पे भी हो, मन में वैराग्य है। अभी रघुनाथ कहां पर थे? जंगल में थोड़ी ना थे जी भाई,
कहां पर थे? रघुनाथ जी कहां थे? घर पे थे, घर में थे रघुनाथ, और मन में पूर्ण वैराग्य था, कोई विषय भोग वासना नहीं है, ये वैराग्य होता है। कोई व्यक्ति गृहस्थ क्यों ना हो, पत्नी बच्चों के साथ में रहकर भी वैराग्य बन सकता है। क्या है वैराग्य? बन सकता निराशक्त, सब कृष्ण का देन समझकर हाँ उसको भगवान की सेवा में लगाने वाला, वो परम वैराग्य कहा जाता है। अब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रभावित हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी देखिए सुदामा जी का तो चरित्र मैंने बताया था आपने। सुदामा जी महाराज जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के बारे में चरित्र को शुरुआत करते हुए कहते हैं सुदामा जी कौन थे? प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, गृहस्थ थे सुदामा जी। वैसा देखा जाए तो गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, पत्नी थे, घर घर में रहते थे, मगर वर्णन क्या कर रहे सुखदेव गोस्वामी? कहते हैं प्रसन्नात्मा, बिल्कुल प्रसन्न था, और साथ साथ में जितेंद्रिय, सारे इंद्रियों को जय कर लिया था, घर गृहस्थी वाला। तो ऐसी बात नहीं है कि बस जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं वही, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भी मन में विषय भाव भोग चल रहा है तो फिर वो आश्रम में रहते हुए भी वो क्या है? वैरागी नहीं है। अगर कोई घर पे गृहस्थ होते हुए भी, पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, धन के बीच में होते हुए भी अगर वो उसके मन से वैराग्य है, कोई विषय लालसा नहीं है, तो व्यक्ति असली वैराग्य है, सन्यासी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे इस्कॉन में गृहस्थ सन्यासी है। क्या है? गृहस्थ सन्यासी। गृहस्थ भी सन्यासी रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी, वानप्रस्थ सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी और सन्यासी सन्यासी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी घर गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ सन्यासी हो सकते हैं, कोई आ सकती है। तो ऐसे निराशक्त होके अगर कोई भगवान की भजन में लगा हुआ है तो व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता है और प्रसन्न आत्मा, जो इंद्रियों को कंट्रोल किया वही प्रसन्न आत्मा हो सकता है। प्रसन्नता कहां से आती है? भोग से। भोग से प्रसन्नता आती है, भोग करने से। भोगात भोग रोग भयापह कहा गया है। भोगी हमेशा रोगी रहता है, बड़ा अशांत रहता है, मगर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। देखिए प्यार भी है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ये सब अशांत है। शांति कहां से आएगा? शांति कहां से आएगा? जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत लिया है वो मन एकदम शांत रहेगा। त्यागात शांतिर अनंतरम, एक श्लोक है, त्यागात शांति, जो संसार को विषय भोग को त्याग दिया है, विषय भोग को त्याग दिया है वो शांति को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो शांति प्राप्त करने के लिए विषय भोग को त्यागना, जितेंद्रिय होना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। और ये महाराज क्या थे? सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। तो कहते हैं कि महाप्रभु का कृपा किनके ऊपर हुआ? पहले दर्शन में महाप्रभु रघुनाथ दास को कृपा किए, फर्स्ट दर्शन, और रघुनाथ दास कृपा लेते हुए घर पे आए और महाप्रभु उनको समझा कर क्या किए, घर पे वापस भेज दिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास अभी घर पे आए, घर पे आकर क्या हुआ, उनका मन घर पे लग नहीं रहा है। आ तो गए घर पे मगर मन कहाँ टिका, कहाँ हुआ उनका मन? मन लग गया श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, बस अभी मन नहीं लग रहा, दिमाग में प्लानिंग हो रहा है कब भाग जाऊं। बस दिमाग में क्या प्लानिंग कर रही है? कब भाग जाऊं, महाप्रभु के साथ में रह के भजन करूं, बस यही चिंता है। देखो दोनों दोनों पिताजी और गोवर्धन और हिरण्य दोनों का एक ही बेटा, बड़े प्रेम देते थे, सब सब कुछ देते थे, फिर भी मन नहीं मान रहा, उनको जाना है। बारो बारो पलायते हो नीलाद्री
तारे बांधी करे कि पिता तारे बांधी रखे आनी बात है ते बार बार पढ़ाए ते हो नीलाद्री आई थे बार बार भाग जाते जब मौका मिलता भाग जाते नहीं मुझे जाना है कहाँ जाना है जगन्नाथपुरी जानी है महाप्रभु कहाँ पर है जगन्नाथपुरी में है मुझे बस जगन्नाथपुरी जाना है मन में टान लिए भाग जाते उनके पिताजी क्या करते बार बार उनके पिताजी जाके उनको पकड़ के लेके आते कहाँ भाग गया वापस लेके आते उनको पकड़ के रखते बार बार भागते बार बार पकड़ के रखते उनके पिताजी देखो एक बार भागा तो उनको पकड़ के लेके आए बोले भाई ये भाग कहाँ रहा है क्यों जा रहा है बोले कि इसको अभी ऐसे खुला छोड़ने से नहीं चलेगा इसको ये हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु कृपा कर दिए हैं इसके ऊपर लगता है इसको अभी बांध के रख नहीं पाएंगे इसके लिए क्या कर दिए पता है 11 लोग को नियुक्त किया उनके पिताजी 11 लोग 24 आवर्स इसके आसपास रहेंगे कितना लोग 11 लोग 11 लोगों को नियुक्त कर दिए बोले कि गलती से भी ये नहीं जाना चाहिए घर से इसको संभाल के रखना है नहीं तो भाग जाएगा पंच पंच पैक तारे रखे रात रात रखे रात्रि दिन चारि सेवक दुई ब्राह्मण रहे तार स्थान देखो पंच पाइक तारे रखे पांच सिपाही हाँ पाइक यानी सिपाही पांच सिपाही रख दिए बोले कि भाई पूरा पहरेदार देना है इसको गलती से भी कहीं जाना नहीं चाहिए लड़का रघुनाथ और चारि सेवकों चार सेवकों को रख दिए नौकर चाकरों को बोले कि भाई इसका जो जरूरत है उसका सेवा पूजा करो इसको जो चाहिए तुरंत देना चाहिए सेवक चार सेवक पैसा का कमी नहीं था अमीर व्यक्ति था अमीर व्यक्ति अमीर खानदान का लड़का था रघुनाथ तो पांच तो सिपाही रख दिए इसको देखभाल ध्यान रखना कहीं जा नहीं जाए चार ही सेवकों चार सेवकों को रखिए इसका सेवा करना और दुई ब्राह्मण दो ब्राह्मण को भी रख दिए क्यों पता है उनके घर पे ना राधा गोविंद का विग्रह था रघुनाथ बचपन से राधा गोविंद जी का सेवा करते थे तो राधा गोविंद जी का सेवा करने के लिए हाँ तो कभी फूल लाना है कभी तुलसी लाना है कभी जल लाना है तो ये बहाना में तुलसी लाना और ला रहा हूं करके बहाना करके जाएगा और भाग जाएगा तो हाँ इसके लिए भाई दो ब्राह्मण को रखो ये दो ब्राह्मण लोग इसको ध्यान देते रहेंगे तुलसी चाहिए फूल चाहिए जल चाहिए लाके दो इसको घर से जाने मत दो इसको क्वारंटाइन देखो रघुनाथ का भी क्वारंटाइन हुआ था वहां पर रघुनाथ दास को भी पूरा क्वारंटाइन कर दिए थे बिल्कुल कहीं नहीं जाने देना इसको सिपाही रख दिया गया है ये दो से चार सेवकों को रख दिया गया है दो ब्राह्मण बिल्कुल नहीं जो चाहिए इसको घर पे लाके दो भाई इसको बाहर जाने मत रघुनाथ यार कहाँ फंस गया मैं अभी फालतू का आया मैं वहां वहां से चला जाता महाप्रभु के साथ अच्छा था आ गया यार यहाँ पर आके फंस गया कभी कभी हुआ ना कुछ लोग बाहर से आके उदयपुर में आके फंस गए क्वारंटाइन में रख दिया गया है कोई कोई लोग ओडिशा में गए तो उनको स्कूलों में रख दिया कि बाहर नहीं निकल सकते अच्छा था तो सूरत में ही था ओडिशा जाके फंस गए लोग तो क्वारंटाइन कर दिया तो अभी क्या क्या ऐसे ही है रघुनाथ बोले कि भाई वहां था वहां वहां से चला जाता अच्छा था आया यहाँ पर आके फंस गया मुझे क्वारंटाइन कर दिया पिताजी ने अभी क्या करा जाए बड़े टेंशन में थे तो पांच तो सिपाही थे चार कौन थे सेवक थे नौ लोग हो गए और दो कौन थे ब्राह्मण थे 11 लोग टोटल कुल मिलाकर 11 लोगों को क्या कर दिया उन्होंने रख दिया संभाल के रखने के लिए उनको रख दिया अभी रघुनाथ रोज विचार करते कब हो कृपा होगा महाप्रभु को वापस कब मिल पाऊंगा पता नहीं अभी हृदय में उनका बिल्कुल व्याकुलता थी कब महाप्रभु को वापस मिलो ऐसे लग रहा था कि मेरे बस महाप्रभु को नहीं मिलो तो मैं प्राण त्याग दूं ऐसे उनको उनका अनुभव हो रहा था रघुनाथ को हमारे हृदय में ना व्याकुलता नहीं है कृष्ण प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं है संसारी चीजों को प्राप्ति के लिए बहुत व्याकुलता है हमारे अंदर मगर कृष्ण प्राप्ति के लिए भी थोड़ा भी व्याकुलता नहीं रघुनाथ दास एकदम तड़प रहे थे एकदम तड़प रहे थे कब मिलू ठाकुर जी को कब मिलू महाप्रभु को वापस अभी महाप्रभु पुरी में पहुंचे 2 साल पुरी में रहे महाप्रभु संन्यास लेके जब गए हैं यहाँ आके शांतिपुर आके वापस पुरी गए पुरी में 2 साल रुके 2 साल में वहां पर एक महान मायावादी थे हैं प्रसिद्ध मायावादी पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य नाम सुना है आप लोगों ने सार्वभौम भट्टाचार्य ये सार्वभौम भट्टाचार्य ना इतने प्रकांड पंडित थे मगर भगवान की
अस्तित्व को यानी भगवान की साकार रूप को नहीं मानते थे, मायावादी थे। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य का कई हजारों सन्यासी शिष्य भी थे, जहां जाते तो हजारों सन्यासी शिष्य साथ में चलते, मगर जगन्नाथ जी का सेवक थे। जगन्नाथ जी का पूरी में रहते, जगन्नाथ जी का सेवक थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करते, मगर बोलते थे ये परम ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म मानते थे जगन्नाथ जी। सार्वभौम भट्टाचार्य, तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए, महासार्वभौम भट्टाचार्य के साथ कई दिनों तक वार्तालाप किए। सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करते करते क्या हो गया सार्वभौम का पता है? सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गया, हरि 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 बोल, वैष्णव बन गए महाप्रभु की कृपा से। अभी गुरु वैष्णव बनेगा तो चेले क्या करेंगे? अभी चेले किसकी शरण जाएंगे? जैसे गुरु शरण लिए महाप्रभु का, सारे चेले उनके सब महाप्रभु का शरण ले लिए, हजारों सन्यासी एक साथ में वैष्णव, देख लो। यही तो महाप्रभु का प्रभाव है। महाप्रभु जिनको प्रीचिंग करते हैं, हम लोग का क्या प्रीचिंग है? सर पीट लो, एक लोग भी जप नहीं करते। महाप्रभु की किसी के पास जाके उसको देख लिए, हाथ लगाती, वो जप करना शुरू कर लेता। ये महाप्रभु का प्रभाव था। महाप्रभु ना प्रेम का बारिश करवा दिए, प्रेम का बारिश, और इतना बारिश कराया महाप्रभु ने आके, ये बारिश में ना बाढ़ आ गया। क्या आ गया? बाढ़। और इस बाढ़ में डूबा कौन? इस बाढ़ में सब डूबे, अमीर गरीब, नालायक बुद्धिमान पंडित, हाँ कुलांगार, जितने लोग हैं सब इसमें जुड़े, सब इसमें डूबे, इस प्रेम में। प्रेम बन्या, महाप्रभु ने प्रेम बन्या किया, हरि नाम का प्रेम बन्या किए संसार भर में, और सब लोग उसमें डूबू हुए, डूब रहे हैं, प्रेम प्रेम में डूब रहे हैं सब। ये महाप्रभु का कृपा है। तो ऐसे महाप्रभु कृपा करते हैं, वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा सुंदर भक्त बना दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ कई दिन वार्तालाप हुआ, आत्माराम शब्द का अर्थ बताए महाप्रभु बहुत दिनों तक। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सुंदर भक्त बन गए, और महाप्रभु के प्रति इतना आसक्त हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के प्रति इतना आसक्त हो गए, अभी महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाह रहे, कहीं छोड़ना नहीं चाह, महाप्रभु का उनको वापस आना था। महाप्रभु कहां पर? नवद्वीप वापस आना है, मगर आ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं रहे सार्वभौम। महाप्रभु बोले कैसे जाऊं यार, ये तो छोड़ नहीं रहे। और महाप्रभु का प्लान क्या हो रहा है दिमाग में? मुझे जाना है वहां पर, तीन महात्मा मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तीन लोग को उद्धार करने जाके। कौन कौन है? दबीर खा, साकर मल्लिक, रघुनाथ, ये तीन तीन को मिलना है। ये जब सेकंड बार आएंगे महाप्रभु ना, ये तीनों तीनों को मिलेंगे। यहाँ रघुनाथ वेट कर रहे हैं, वहां रूप सनातन यानी साकर मल्लिक जो दबीर खास थे, वो लोग वेट कर रहे हैं। कब महाप्रभु? वो लोग लेटर लिखते थे, आपने सुना ना लीलाओं में, लेटर लिखते, महाप्रभु के लेटर पहुंचता तो महाप्रभु उन लेटर का जवाब दिए थे, मैं आऊंगा मिलूंगा आपको जब आऊंगा। तो महाप्रभु वापस नवद्वीप आना चाह रहे थे, मगर रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य जाने नहीं देते, उनको कुछ ना कुछ बोल के उनको रुका देते। कृष्ण कथा कहते महाप्रभु भूल जाते, वापस जाना है करके भूल जाते, उनको एंगेज करके रख देते महाप्रभु को। तो महाप्रभु मन करते, महाप्रभु लेकिन मुझे जाना है, अभी क्या करूं? बहुत निवेदन किए कि अरे सार्वभौम, अरे रामानंद, मुझे आज्ञा दो ना, मुझे जाना है। कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं महाप्रभु? वृंदावन जाना है। महाप्रभु को आज्ञा लेना पड़े, ये क्या बात हो गई? महाप्रभु को आज्ञा लेना पड़े, ये दयनीयता देख लो प्रभु भगवान का। किनसे आज्ञा ले रहे हैं? भक्तों से। अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं वृंदावन जा पाऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद बोलते, प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, मगर प्रभु आप जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए? अगर जाना ही है तो आप कब जाइएगा? हाँ, आप विजयदशमी में जाइएगा, विजयदशमी के दिन जाइएगा, तब तक वेट करो। महाप्रभु बोले अभी तो और टाइम है, दो चार महीना है और, मगर महाप्रभु का बड़ा इच्छा था जाने के लिए। बोले ठीक है, वृंदावन जाना है, मगर महाप्रभु के दिमाग में प्लान कुछ दूसरा था। वृंदावन के नाम पे कहाँ पर? नवद्वीप में आना है। नवद्वीप में आप करना क्या है? ये तीनों को मिलना है, रघुनाथ को, हाँ रूप को, सनातन को मिलना था। ये प्लान था महाप्रभु के मन में, इसलिए महाप्रभु प्लानिंग कर रहे थे।
तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने आलिंगन करी कहे मधुर वचने। महाप्रभु सार्वभौम रामानंद दोनों को आलिंगन करते हुए बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत उत्कंठा मोरो आई ते वृंदावन तुम्हारो हाथे दुई बत्सर नाकलु गमन। बहुत उत्कंठा, बड़ा इच्छा है मुझे जाए थे वृंदावन, वृंदावन जाने के लिए इच्छा है। तुम्हारो हाथे दुई आप दोनों का अगर आज्ञा हो तो मैं वृंदावन जा पाऊंगा। तो बोलते हैं अवश्य चाली बधु है करह सम्मति तोमा दुह बिना मोरे नाही अन्य गति गौड़ जैसे होया मोर दुई समस्वय जाना नी जाना भी यही दुई दया मय। देखो वृंदावन जानिए मुझे, मगर मन में महाप्रभु का क्या विचार था? गौड़े जैसे होय मोर दुई समाश्रय, दुई समाश्रय गौड़ देश, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गौड़ देश, गौड़ देश यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल, नवद्वीप, नवद्वीप में जाने का प्लान है महाप्रभु का। क्यों जाना चाहते हैं महाप्रभु? बोल रहे हैं जननी जाना भी यही दुई दया मय। अरे बाबा वहां पर मेरे दो प्राण है, वहां पर दो प्राण को छोड़ के आया हूं मैं। कौन कौन? जननी जाना भी, कौन कौन है? जननी मेरे माता सची, सची को मिलना है। जानना भी गंगा जी, जानना भी कौन है? गंगा जी है। गंगा जी को जाह्नवी ऋषि रोक दिए थे। गंगा जी जा रहे थे वो अपने आश्रम की ओर ले गए, जरूरत था गंगा जी, बस वहीं पर वो गंगा सागर वहीं बन गया। हाँ, यानी वो सागर में नहीं गई, वहीं रुक गई। बाद में जानू महाराज ने क्या किए, उन्होंने अपनी जांगे से गंगा जी को वापस प्रकट कराया। इसलिए जांगे से प्रकट होने के कारण गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गई। जाह्नवी जाह्नवी जाह्नवी, जानो मुनि की जांगे से प्रकट हुई वापस गंगा जी, इसलिए उनका नाम जाह्नवी हुआ। गंगा जी का नाम जाह्नवी भी है। यमुना जी के नाम कालिंदी है क्योंकि ना वो काली है, उनकी जल कैसा है? काला है। मगर गंगा जी का जल कैसा है? मिट्टी का कलर है गंगा जी का जल का। आप गंगा जी गए होंगे ना, कैसा कलर कैसा है? बिल्कुल मिट्टी कलर है। नहीं गए हैं? कौन कौन गया गंगा जी का दर्शन? कौन कौन किया? हाँ, काफी भक्त किए हैं। मायापुर जब जाएंगे आप लोग दर्शन कर लेना गंगा जी। हरिद्वार चले जाना कभी, हरिद्वार, हरिद्वार में तो बड़े सुंदर बहती है मैया, क्योंकि ना वही हरि का द्वार है, वही बद्री से वहीं तक, तो वहीं से तो आते हैं। ओहो, वहां पर गंगा जी में स्नान में बड़ा आनंद आएगा। मगर वहां पर बड़ा प्रकोप भी है गंगा जी का, बहुत फोर्स है, पानी बहा के ले जाएगा गंगा जी। तो भगवान की चरण धुला हुआ जल है, इसके लिए मिट्टी का कलर क्या है? भगवान की चरण का रज है ना, जो कलर है वही कलर का गंगा जी हो गए, क्योंकि ना भगवान का चरण रज धुला हुआ है ना, चरण रज का कलर हो गया गंगा जी, इसके लिए मिट्टी कलर है। गंदा नहीं है मगर कलर ही उनका मिट्टी है। आप ऐसे आपको दिखने में लगेगा बड़ा गंदा है, नहीं नहीं वो कलर ही मिट्टी का कलर है उनका। और यमुना जी दिखने में काली दिखेगी, गंदी नहीं है, उसका कलर ही काला है, कालिंदी। तो जानन जननी जाह्नवी दो 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 को मिलना है, जननी और जाह्नवी को मिलना है मुझे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी महाप्रभु भी प्लान कर रहे हैं, मुझे जाना है। जननी जाह्नवी यही दुई दयामय, बड़े दयालु है, मेरे माँ भी बड़े दयालु है। क्यों माँ आपका क्यों दयालु है? बोले कि माँ की कृपा नहीं होती तो मैं सन्यास नहीं ले पाता। माँ ही तो मुझे बोले कि नहीं नहीं बेटा तू सन्यासी रहे, मगर पूरी में रहे, पास आस में रहे। तो ये तो माँ का कृपा ही हुआ ना, मैं आज सन्यासी हूँ तो माँ की कृपा से सन्यासी हूँ। एक्चुअली पिताजी से ज्यादा आप प्रेम करते हैं बेटे को, कौन? माँ। और बेटियों को ज्यादा प्रेम करते हैं बाप, पिताजी, है ना? सही बात है ना, बेटों को ज्यादा प्रेम करते हैं माँ, बेटियों को ज्यादा प्रेम करते हैं पिताजी। तो सची देवी, अभी जगन्नाथ मिश्र तो थे नहीं, और सची देवी का एक ही रे बड़ा ऋषि कैसा एक ही रे बड़ा थे,
और अंदर लोड़ी थे, इतना प्रेम करती बिचारी, और ये अब उनके पास कोई था भी नहीं ना, सच्ची माता का ध्यान रखने के लिए भी कोई था नहीं, चलो और कोई है तो अलग बात है, कोई था भी नहीं, अकेले छोड़ के आ गए। उन्हीं बोले कि उन्हीं की कृपा से तो मैं सन्यासी बना, जगन्नाथपुरी आया, उन्हीं की कृपा से तो उनके मिलूंगा, जाना भी और जाना नहीं। और मेरे बड़े दयालु है, उन्हीं की तट पर मैंने खेला कूदा बड़ा हुआ, कौन है, जाना भी की तट पर उनको मिलने जाना है। गौड़ देश दिया अबे या सब देखिया, तुम्हें दुए आज्ञा देवो प्रसन्न होया। भाई देखो, अगर मुझे जाना है तो आप दोनों का आज्ञा चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं आज्ञा, तुम्हें दुए आज्ञा देव, आप दोनों आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। अच्छा, सुनिया प्रभु रो वाणी मने विचार, प्रभु सने आती हाथ, आती हाथ कबू कबू भल नय। धन्य कहे बे वर्षा चालीते नारीब, विजय दशमी आईले अवश्य चालीब। बोल दिए ना इन लोगों ने, महाप्रभु अगर आप जाना चाहते हैं अब मत जाओ, बारिश का समय बहुत वर्षा हो रहा है, आप कहाँ वर्षा में जाओगे, कहीं भीगेंगे, तबियत खराब होगा, थोड़ा वर्षा थम जाए, जब विजयदशमी आ जाएगा, विजयदशमी में चले जाओ। नींद आ रहा है ना, काफी लोगों को नींद आ रहा है चैतन्य लीला सुनकर, नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ तो दोनों हाथ उठाइए सब लोग। कुछ लोग वीडियो में नहीं है क्योंकि ना वो दिखेंगे नहीं, सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता भी नहीं चलेगा। हाँ ओके, वेरी गुड। महाप्रभु का प्लान वृंदावन जाना है, मगर बीच में गौड़ होके जाना है, गौड़ देश होके जाना है मुझे। और बोल क्या रहे हैं, मुझे जननी जाननी से मिलना है, मगर जननी जाननी उनका टारगेट नहीं था, उन रूप सनातन रघुनाथ तीन टारगेट थे, रूप सनातन रघुनाथ को मिलना था उनको। तो कह रहे हैं, तो ये दोनों राय रामानंद राय और सार्वभौम बोल रहे हैं कि प्रभु अब मत जाओ, बारिश का समय, अगर आपको जाना है ना विजयदशमी में चले जाना, तो विजयदशमी में आप जा सकते हैं। तो महाप्रभु सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए, ले चलो अभी तो आज्ञा मिल गया, विजयदशमी में जा सकता हूँ। ये दयनीयता देखो महाप्रभु का, ये महाप्रभु का दयनीयता है, वो स्वयं स्वतंत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता है, फिर भी आज्ञा मांग रहे हैं। तो इसलिए भक्तों बहुत बड़ा शिक्षा है, कितना भी पंडित हो जाओ, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो जाओ, कितना भी उच्च कोटि के कुछ पोस्ट भी क्यों ना मिल जाए, मगर भक्तों से आज्ञा लेना कभी मत भूलिए। कुछ भी कार्य करने से मिले आज्ञा लेनी चाहिए हमको भक्तों से, भक्त लोगों से आज्ञा लेके करिए। हम सोचते हैं मुझे तो ठीक लग रहा है कर लेनी चाहिए, नहीं नहीं आज्ञा लो कि करूं क्या मैं, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है मैं ठाकुर जी का विग्रह का सेवा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, घर पे लाऊं क्या, पूछो एक बार कि मैं यहाँ धाम। कभी कभी तो हम भक्त लोग क्या होते हैं, बड़ा बड़ा पंडित बन जाते हैं, अभी बस हो गया दीक्षा विक्षा हो गया, अभी तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं, जब मन करे वृंदावन जा सकते हैं, जब मन करे नहीं, कैसे चले जाएंगे आप, स्वतंत्र जो इच्छा है, जो स्वतंत्रता मनोवृत्ति वही ऐसा करेगा। आपको वृंदावन भी जाना है तो आपके शिक्षा गुरु को पूछिए एक बार, मैं वृंदावन जा सकता हूँ क्या, मैं मायापुर जा सकता हूँ क्या, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके गुरु को पता है, आपको नहीं पता है। आपको क्या अच्छा आपके लिए गुरु को पता है। वृंदावन में रह के भी हमारा भोग वासना रहेगा, क्या फायदा वृंदावन में रह के, उससे अच्छा उदयपुर में रह के जगन्नाथ जी की सेवा करो 24 घंटा आके, तो आपका मन वृंदावन में रहेगा। ये तरीका है, यही उपाय है अपने मन को वृंदावन में रखने का। आप शरीर से भले ही वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हो मगर मन में विषय भोग है आपका। हमारे इंद्रिया इतना शुद्ध नहीं है कि हम वृंदावन में रहके वो राधा रानी का और कृष्ण का लीलाओं का स्मरण कर सकते, नहीं हो सकती हमारा, क्योंकि हम उस तरह का नहीं है, हम गोस्वामी थोड़ी बने हैं, बोलिए हम गोस्वामी तो नहीं है ना। तो इसलिए भक्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखनी है, अगर हमको कहीं धाम में भी जाना है ना, हमको अपने काउंसिलर से अपने भक्तों से पूछनी चाहिए मैं जाऊं क्या, अगर मना कर दिए तो बिल्कुल हाथ जोड़ के नहीं जाना है, हाँ किए तब जा सकते। हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को पूछते हैं, कुछ चीजों को जो पूछना नहीं है, हम अपना मनमानी जहां करना है वो नहीं पूछेंगे हम, अगर अपना मनमानी करना है ना वो चीज हम नहीं पूछेंगे, जहां पर अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं वहां हम पूछते हैं।
ये हम लोग का स्वभाव है, ये बदजीव का नेचर एक एक, एक प्रकार से हर हर चीज। अभी महाप्रभु का क्या जरूरत था, गौड़ देश में जाना तो जाओ, स्वतंत्र हो आप, सन्यास लिए थे किसको पूछ के लिए थे, जब स्वतंत्रता से सन्यासी भी लिए, पुरी में भी आए आप खुद ही विचार किए, खुद ही डिसाइड किए पुरी में आना। अभी वापस आपको गौड़ देश जाना है कुछ समय के लिए, तो फिर पूछने का क्या जरूरत है, चले जाओ। नहीं, अगर मंदिर का अध्यक्ष भी क्यों ना हो, भक्तों से पूछता है, कोई भी स्तर पे क्यों ना हो आप, आपको पूछना जरूरी है, अपने गुरु को पूछना जरूरी है। कभी कभी भक्त बोलते मैं वृंदावन में घर ले लिया, वृंदावन में ही रहूंगा, गुरु को पूछा क्या आपने, कैसे डिसाइड कर लिया वृंदावन में रहने का, बोले नहीं नहीं वृंदावन तो क्या है, भगवान का धाम है, भगवान का धाम है। गुरु महाराज जी को पूछा क्या, गुरु क्या बोलते हैं आपको, भगवान धाम में रहने के लिए बोले हैं क्या, अगर महाराज जी बोले हैं तो आप जाके रह सकते हैं, अगर महाराज जी बोले आपको उदयपुर में रहना है तो आपका कर्म क्षेत्र उदयपुर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले पता है, मेरा जब शरीर छोड़ूंगा ना, मैं कोलकाता में शरीर छोड़ना चाहता हूँ, पूरी में मायापुर में नहीं। क्यों, मेरा युद्ध क्षेत्र है कलकत्ता, मेरा कर्म क्षेत्र है कलकत्ता, जहां युद्ध क्षेत्र है वही मेरे लिए धाम है। यानी मेरा युद्ध क्षेत्र, यानी भक्ष्यम महाराज जी कौन सा फायरिंग कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, प्रचार क्षेत्र है उनका, प्रीचिंग एरिया है हमारा, प्रीचिंग एरिया ही वृंदावन है हमारे लिए। आप अगर प्रचार कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, लोगों से भागवत पढ़ा रहे हो, तो यही आपके लिए वृंदावन है। ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोले हैं, बोले मैं, और भक्ष्यम महाराज जी कहां शरीर छोड़े, कोलकाता में शरीर छोड़े, हाँ अपनी अपनी युद्ध भूमि रणभूमि में, जहां हमने हमारा सेवा यहाँ जगन्नाथ जी का है। जो व्यक्ति जगन्नाथ जी में कृष्ण में अंतर नहीं देखता, वही भक्त जो है भगवान जगन्नाथ जी का उदयपुर में सेवा करेंगे। जो सोचते हैं क्या वृंदावन में कृष्ण अलग है, ये जगन्नाथ जी क्या है, ये तो बैठे रहेंगे, ये मनोवृत्ति वाले ही ऐसा विचार कर सकते हैं, ठाकुर जी अलग चेहरे कैसे होंगे, यहाँ जगन्नाथ जी बैठे, पुरी में भी जगन्नाथ जी, कोई अंतर है आप बताए, कोई अंतर है क्या। हाँ वो धाम जरूर है, जरूर धाम है, तब धाम का फल मिलता है जब संत कृपा करते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो धाम भी कृपा नहीं करती है, धाम तब तक कृपा नहीं करेगी जब तक संतों की कृपा नहीं होगी। धाम में जाके भी कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया अगर संतों का कृपा नहीं हुई तो। इसके लिए कुछ भी करने से पहले पूछिए, पूछ के करिए, ये महाप्रभु ने सिखलाया दिखलाया, पूछ रहे हैं मुझे आज्ञा दीजिए आप लोग, मुझे जाना है। अरे वो सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ मायावाद थे, उनको इतना महाभक्त बना दिए, कौन बनाया, बनाने के बाद भी भगवान उनको हाथ जोड़ के पूछ रहे, मैं जाऊं क्या, शिष्य को कोई पूछता है गुरु मैं जाऊं क्या, ये विनम्रता है, ये एक्चुअली वैष्णव सदाचार है, यही वैष्णव सदाचार है, हर कार्य वैष्णव के आज्ञा लेके किया जाना चाहिए, तब जाके हमारे कार्य में सफलता होगी। मनमानी में मैं देखा हूं, मैं जब भाफी में रहता था, कोई वक्त हाँ हम तो हर पूर्णिमा में जाएंगे, हाँ गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे भाफी में, कुछ वक्त बोले आपने पूछा है, हर परिक्रमा हर आप इसमें वृंदावन परिक्रमा करने का डिसाइड कर लिया, आपने पूछा है, आपने तो ये डिसाइड नहीं किया हर पूर्णिमा में आके मैंने जगन्नाथ जी के सामने 25 माला करूंगा या 64 माला करूंगा, ऐसा कभी तो आपने विचार नहीं किया। हर पूर्णिमा में जाऊंगा, हर अमावस्या में चले जाऊंगा, हर संक्रांति में चले जाऊंगा, अच्छा ये मनोवृत्ति, मगर गुरु को पूछिए, गुरु बोलते तब जाए। इतना डेडिकेशन नहीं होगा तो हम लायक नहीं है भक्ति करने के लिए, अगर इतना डेडिकेशन नहीं है ना शरणागति, तब हम लायक ही नहीं है। अभी भी अपना मनमानी कर रहे हैं, तो हम किसी से सुन लिए ओ ओ ओ गए हैं इसलिए मैं भी जाऊंगा, अरे उनके गुरु महाराज उनको बोले होंगे जाने के लिए, आपको बोले हैं क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु को पूछिए, काउंसलर को पूछिए, शिक्षा गुरु को पूछिए, जब कुछ करना है ऐसा तो पूछना चाहिए। महाप्रभु भी पूछे, अभी महाप्रभु ने आज्ञा मांगे तो उन्होंने बोला विजयदशमी में जा सकते हैं महाप्रभु, अभी बारिश मत जाओ, तो महाप्रभु भी प्लान कर रहे हैं विजयदशमी आएगा तो मैं यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि ना अभी भक्तों की वाणी को रक्षा तो कर, उनकी वाणी को सुनना तो पड़ेगा ना, उनकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, और महाप्रभु तो ऐसा नहीं है, बोले नहीं नहीं अभी 3 महीना 4 महीना है विजयदशमी में, बस 1 महीने में चले जाऊंगा, ऐसा भी नहीं बोले। अच्छा विजय कोई बात नहीं, स्वीकार भी करना। अब कभी कभी हम आके पूछते हैं और हम करते वही है जो हमको अच्छा लगता है,
पूछते हैं उत्तर भी मिलती है, ऐसा करनी चाहिए, मगर करेंगे क्या? वही करेंगे जो हमको ठीक लगे। तो क्या मतलब है फिर पूछने का? ऐसा भी महाप्रभु पूछे, उनको बोला गया कि विजयदशमी में जाइए, भक्त लोग बोले तो महाप्रभु ऐसा नहीं बोले कि विजयदशमी इतना दिन कौन वेट करेगा, बस एक महीने में चला जाऊंगा, नहीं ठीक विजयदशमी में ही जाऊंगा, भक्त लोग जो बोले वही मेरे लिए। भगवान स्वयं देखो शिक्षाएं देते हैं आचरण करके, तो सीखनी चाहिए भक्तों को कि कैसे आचरण होनी चाहिए। गुरु वैष्णव कृपा है, उनकी कृपा आशीर्वाद से हर कार्य करे, तब हमारा जीवन में हम हमारे गंतव्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे, सफलता होंगे। वरना हम लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा रिजल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, परिश्रम वृथा हो जाएगी, श्रम है भाई केवलम हो जाएगा। तो इसके लिए भक्तों बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, कुछ भी करना है वैष्णवों से, बुजुर्गों से। घर पे जब स्त्री पत्नी कुछ भी करती है पति को पूछती है, पति कुछ करता है पति पत्नी को पूछते हैं, तभी तो दोनों के कोऑपरेशन रहता है, तभी तो प्रगति होती है घर का। पति अपना मनमानी करेगा, पत्नी अपना मनमानी करेगा, वो घर घर रहेगा क्या? नरक बन जाएगा वो घर तो। कभी कुछ नया आइडिया आता है पति को तो पत्नी को शेयर करते, ऐसा करने का विचार है क्या, आप क्या कहते हैं? फिर पत्नी अपना विचार देती है, दोनों साथ में बढ़ते हैं आगे। तो यही है वैष्णवता में भी यही है, वैष्णव लोग भी एक दूसरे को पूछते हैं क्या करने चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, आपको बताया था ना प्रेम का छह प्रतिलक्षणम, याद है कि भूल गए? छह प्रतिलक्षणम क्या है प्रेम का व्यवहार, छह क्या क्या है? ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूमते भोजते सैव सर्वति प्रतिलक्षणम। क्या बात है, आप लोग बड़ा आश्चर्य से देख रहे हो, मैं बताया था ये तो, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था। ददाति प्रतिगृहणाति, दान देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, बोला था मैंने आपको। गुह्यम आख्याति पृच्छति पूछना, वैष्णव से पूछना, भक्तों से पूछना क्या करो, करूं कि नहीं करूं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप भी पूछो, वैष्णव जब पूछेंगे तब भी उनका उसमें मत दो। गुह्यम आख्याति पृच्छति भूमते भोजते सैव, खिलाना वैष्णवों को, भोजन करवाना, प्रसाद खिलाना, और जो प्रसाद के लिए बुलाते हैं जाके भोजन करना, भूमते भोजते सैव सड़े भी तो प्रीति लक्षणम। आप संडे को आते हो यहाँ पर क्या करते हो? यही तो होती है जी, संडे को ये छह चीज तो होते है। संडे फिस्ट क्यों कहा जाता है? संडे फिस्ट प्रोग्राम, लॉ फिस्ट कहते हैं ना संडे को, संडे लॉ फिस्ट यही कहते हैं ना, प्रीतिभोज कार्यक्रम सुना है ना आपने, प्रीतिभोज है करके। प्रभुपाद जी ने प्रीतिभोज क्यों बोले, प्रीति शब्द क्यों दिया गया? ये छह चीज होती है संडे के दिन। आप जब आते हैं आपको कुछ दिया जाता है, क्या देते हैं आपको? आपको वैष्णव लोग कथा देते हैं, कथा कथा के माध्यम से भगवान को देते हैं, दर्शन दिलाते हैं आपको, देते हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है जी, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट दी जाती है मंदिर की तरफ से, भक्तों की तरफ से। भक्त श्रृंगार किए जिस उस दिन, तो आपके लिए गिफ्ट है वो, भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार दर्शन हो रही है, भगवान ने सुंदर कुकिंग किया किचन में, वो आपके लिए गिफ्ट है एक प्रकार से, है कि नहीं? मंदिर को सजाया गया, आप आए, अभी रिसेंटली कौन सा उत्सव हुआ था, गौर पूर्णिमा मनाए थे हम लोग, आप आए तो मंदिर बड़ा सजा हुआ था, फूलों से सजा हुआ था, बेलूनों से सजा हुआ था सुंदर, तो ये आपके लिए गिफ्ट है ना। आप जब मंदिर में आए आप कृष्ण कॉन्शियस, उत्सव का वातावरण देखकर आपका मन में कृष्ण चेतना हो गई, तो आपके लिए गिफ्ट है। और गिफ्ट भी ऐसा नहीं है कि गिफ्ट आपको मशीन गन दिया जाता है, आप फायरिंग कर सकते हो, मशीन गन आपके लिए गिफ्ट है। क्या देते हैं भक्त लोग, गिफ्ट भी समझदारी से गिफ्ट देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना दे देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, गिफ्ट क्या देने चाहिए? गिफ्ट तो व्यक्ति को भक्त बनाने, कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट, भगवत गीता दे दिया ये कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट है, भागवत दे दिया कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट है। किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो उस गिफ्ट के माध्यम से वो कृष्ण से दूर होने जैसा कोई गिफ्ट मत दीजिए। आप क्या दे दिया उनको? आप दे दिया एक क्या बोलते हैं, हाथी का एक डॉल आता है ना, हाथी दे दिया आपने, और बेचारा नाम जपने वाला खोला हाथी है तो हाथी के पीछे पड़ गया वो बच्चा, तो क्या फायदा ऐसा गिफ्ट? ऐसा गिफ्ट नहीं, भक्तों के बीच में आदान प्रदान कृष्ण कौन से। अब तो ये मंदिर में जब आते हैं
हम देखते हैं मंदिर में सजा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, आसन डाला हुआ है, माइक सिस्टम लगा हुआ है, कीर्तन के लिए हारमोनियम रखा हुआ है, सब सजा हुआ है, जूतों को सजा के रखा हुआ, पानी भर दिया गया है फिल्टर में, सब सब रेडी है। तो आपके लिए ये गिफ्ट है, आप क्या देते हो उसके बदले में? आपने अपना टाइम दिया है, आपने अपना टाइम दिया है, ये आपने दिया गिफ्ट। ददाति प्रतिग्रहणी आती, ये एक प्रकार का आपका, आप आज का लोगो हो, सब दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, तन दे सकते हैं, टाइम देना बहुत मुश्किल है जी, कोई टाइम नहीं देना चाहता है, कोई एक टाइम आप देखिए किसी को भी बोलिए बोलते टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम देना बहुत, अगर कोई टाइम देता है ना, हाँ वो आपको प्रेम करने वाला होगा तभी वो टाइम देगा, नहीं तो क्यों देगा आपको टाइम? कोई टाइम देता है, कोई आपसे 15 मिनट बात किया, वो व्यक्ति आपसे बात किया, आपसे प्रेम कर रहा है ना, कुछ कुछ तो आपके प्रति, तभी तो आपको बात किया। तो टाइम, इस आजकल लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, बाकी सब दे सकते हैं। पैसा लेके जाओ यार, आप लोग दिमाग खराब मत करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, पैसा लेके जाना ले जाओ, पैसा दे देंगे मगर टाइम नहीं देंगे। टाइम बहुत मूल्य, कहते हैं ना टाइम बहुत मूल्यवान है, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा मूल्यवान है। तो टाइम देते हैं, भक्त आते हैं 2 घंटा 3 घंटा आके यहाँ पर बैठते हैं, और क्या गिफ्ट देते हैं? आप लोग सेवा में जुड़ते हो, सेवा करते हो, ये आपके लिए आप देते हो भगवान। खैर ये मनोवृत्ति आपका नहीं होनी चाहिए, हम कुछ देते हैं जाके, ये मनोवृत्ति तो नहीं होनी चाहिए, पर हाँ देते हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति, और क्या दे देना? जब मंदिर में आते हैं कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, कुछ ना कुछ फल ले आओ, फूल ले आओ, फल फूल ले आओ, कुछ ठाकुर जी के लिए चावल ले आओ, आटा ले आओ, ठाकुर जी को जरूरत पड़ता है ये भगवान की सेवा में, कुछ लेके आ गए, ये भी एक प्रकार से ददाति प्रतिगुणियाती है। ढूंढते भो जाते गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये कथा एक प्रकार से गुह्यम आख्याति ही है, गुह्य लीलाओं को भगवान की भक्तों की चरित्रों को सुनाना ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। ये चीजें कौन आपको बोलता है? कोई बोलता है बाहर दुनिया में आपको ये सारे चीज? कोई नहीं बोलता, ये सारे चीज आपको संत लोग बोलेंगे, संत भक्त लोग बोलेंगे। भूयम अच्छाती पृच्छती, ढूंढते भोजते सैव, और क्या करते? खाते हैं, खिलाते हैं, है कि नहीं है? हम पुरस्कारी करते हैं फिर बैठ के खाते हैं। इसके लिए मंदिर में जब आते हैं हाँ कभी भी खाली मत जाइए और खाली मत आइए, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, खाली मत आइए, खाली मत जाइए। खाली मत आइए का अर्थ है कुछ ना कुछ थोड़ा फूल ले आओ, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए फूल लेके आ जाओ, कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा फल, कुछ कुछ भी फल ले आओ। खाली हाथ मंदिर में जाना अच्छा नहीं है, भगवान सोच के बैठे होंगे ये आ रहा है आज तो कुछ तो लेके आएगा मेरे लिए, है ना? आप कोई देखो पिताजी ऑफिस में जाता है, शाम को आते आते बच्चा क्या सोच के रहता है, चॉकलेट तो लेके आएंगे पिताजी, कुछ नहीं तो कुछ डॉल लेके आएंगे कुछ, है ना? एक आशा रहता है ना लड़का का, बच्चा का, और नहीं लाया रहता कितना दुखी हो जाता है ना बच्चा, अरे यार कुछ भी नहीं लाया क्या, अगर कुछ लेके भले एक चॉकलेट क्यों ना, 1 रुपए का चॉकलेट भी क्यों ना हो, अरे मेरे पापा ने चॉकलेट, बड़ा प्रेम करता है बच्चा, है ना, गोद में चढ़ जाता है पिताजी को, पकड़ लेता है कि मेरे लिए चॉकलेट लाया, सही बात है ना? वैसे ही जगन्नाथ यहाँ पर बच्चे हैं आप लोगों का, वो यहाँ पर आशा लेके बैठते कुछ तो एक फूल तो लेके आएगा ही ये माता जी आते आते, और रास्ते में कहीं फूल तोड़ के ले आओ किसी के गार्डन से, कहीं मिल जाएगा, नहीं तो कहीं दुकान से थोड़ा फल खरीद के ले आओ, कुछ भी लेके आ। ठाकुर जी ये नहीं बोलते कि आप बहुत कुछ लाओगे, मैं कुछ भी ले आओगे, अरे चलो कुछ तो लेके आया। वो बच्चा जैसा ही इनका मनोवृत्ति है, भगवान का यही भाव रहता है, कुछ कुछ दे देंगे बस, भगवान स्वीकार करते। ये ददाती है, ये देना है। घूमते भोजे, तो मैं भी ये बोला कभी खाली हाथ मत आओ, खाली हाथ मत जाओ, यानी कुछ ना कुछ सेवा करके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, यानी कुछ ना कुछ मंदिर में सेवा करो, कहीं झाड़ू मारो, चप्पलों को सजा दो, पानी ले आओ, प्रसाद पुरस्कार कर लो, हाँ कुछ भी थोड़ा सेवा करके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पूछ लो कुछ सेवा है क्या मेरे लिए, नहीं है तो ढूंढो कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कोई कुछ है मंदिर में, कुछ ना कुछ तो आपको दिखता ही हमारे नजर में, तो बस हमारे लिए आप सोचो भगवान ने मेरे लिए ये छोड़ दिए, बस यही समझनी है भगवान ने शायद मेरे लिए सेवा रख दी है। मान लो किचन में गए, बर्तन गंदा पड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं मैं थोड़ा बर्तनों को धो के चले जाऊं, तो देखो आप बाहर निकलते हैं गेट के पास, देखा थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, झाड़ू लो कचरा को हटा दो साइड। तो खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत आओ, ये जो करता है भक्त, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, बहुत प्रिय। और ये संस्कार है हमारा, वैदिक संस्कार यही है,
लोग कभी खाली हाथ मंदिर जाते नहीं, कहीं पर भी देख लो आप लोग, कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, और मंदिर में बिना सेवा का बाहर नहीं आते, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। सेवा करने कौन सा सेवा? शारीरिक सेवा, धन ठीक है, धन ठीक है, मन ठीक है, मगर तन, तन बहुत जरूरी है। ये तन शुद्ध नहीं है, ये तन बड़ा आलस, आलस कौन करता है? शरीर बड़ा आलस है, शरीर का आलसी निकालना है, शरीर जो ढीठ है ना, ढीठ अहंकार को तोड़ना है अपना, ईर्ष्या को निकालनी है, ये शरीर से निकालना चाहते हो तो कुछ शारीरिक मेहनत करो, तब जाके ये चीजें धीरे धीरे समाप्त होगी और भगवान का प्रिय बने। तो खैर महाप्रभु यहाँ पर आज्ञा ले रहे हैं बड़ा दयनीयता से, विजय दशमी में आज्ञा मिला, अभी बस वेट कर रहे महाप्रभु, विजय दशमी आए और मैं कहाँ जाऊंगा? गौड़ देश जाऊंगा, किसके लिए? जननी जाह्नवी, जननी जाह्नवी का बात तो बोले जननी जाह्नवी, मगर मन में है रूप सनातन रघुनाथ है, वो लोग मिलने वाले हैं, पत्र में लिख दिए मैं आऊंगा शांतिपुर, मैं आऊंगा गौड़ देश में मिलूंगा, रघुनाथ का मन में भी है भगवान आऊंगे मिलेंगे। तो अभी महाप्रभु जब आएंगे गौड़ देश क्या होगा, मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, ये सुनना है आपको, कल वापस शाम को 6 बजे पधारनी होगी। गौड़ देश में महाप्रभु कल आने वाले हैं वापस, 2 साल के बाद महाप्रभु वापस आ रहे हैं, आप देख लीजिए क्या होगा, महाप्रभु 2 साल के बाद आ रहे हैं। अभी कल ये भक्त लोग मिलेंगे तो कल हम ये रघुनाथ जी का चरित्रों को आगे का श्रवण कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।